कम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 11 जनवरी शिफ्ट 3 का जीडी का सॉल्यूशन का आपके पास मैथ्स का सॉल्यूशन का वीडियो है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है, 3 और 3 के बीच का मध्य अनुपाति ज्ञात करिए। तो जब भी मध्य अनुपाति आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे पहला नंबर जो था वो बीच में, ये एक बार इन दोनों को डिवाइड करिएगा, फिर एक बार इन दोनों को डिवाइड करिए, तो मल्टीप्लाई करिए, एक्स ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 81 आएगा। 81 9 का स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू 9 हो गया। अगला क्वेश्चन बोले, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकें की संख्या 25 संख्या का 25% भाग है, भौतिकी की पुस्तकें की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों का अनुपात क्या है? तो बोला है कि देखिए, जो लोग इंग्लिश वाले भी हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही होगा कि इन लाइब्रेरी 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। ठीक है, मतलब जो मैथमेटिक्स की किताब है, मान लीजिए मैथमेटिक्स की किताब m हो गया और फिजिक्स का बुक p हो गया, तो मैथमेटिक्स किताब के 25% बोला है, तो मैथमेटिक्स का 25% ऐसे निकालेंगे और फिजिक्स का 2/3, फिजिक्स का 2/3 आपस में बराबर है, बस यही बोला है। तो गणित की पुस्तकें का संख्या भौतिकी, मतलब गणित ऊपर रहेगा और भौतिकी नीचे, तो m बाई पी रहेगा, तो ये p नीचे आ गया, ये 2/3 को यहीं छोड़ देते हैं, 100 ऊपर 25 नीचे, तो 25 से काटेंगे ये 4 बार में, तो 8/3 8:3 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक चोर दोपहर 3:30 बजे एक कार को चुराता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। चोरी का पता 4:00 बजे चलता है और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में जब उसका पीछा करता है, वह चोर कब पकड़ लेगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर 3:30 बजे चोर निकला है और 4 बजे पहुँचा है, मैं 4 बजे इसको पता चलता है, इतने देर में यह आधा घंटा जाएगा चोर, तो ये कितना दूर जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और आधा घंटा चला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि एक घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो जब ये दूरी पता चल जाएगी कितने बीच उनका दूरी है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों गति को हम लोग घटाएंगे, तो एक का गति 90 है, एक का गति 80 है, इसका ज़्यादा है तभी तो ये पकड़ पाएगा, तो कितना अंतर हो गया, 10/10 तो आएगा 4, तो 4 घंटे में उसे पकड़ लेगा। तो 4 बजे पता चला था, 4 घंटे बाद मतलब 8 बजे पकड़ेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, 14 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 14 छात्र इंटू यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? देखिए, 14 स्टूडेंट प्लस टीचर का औसत एज कितना है, 20, ठीक है, तो 20 × 15 315, क्योंकि ये 14 स्टूडेंट और एक टीचर, तो टोटल 15 लोग हो गए, औसत दिया था 20, तो गुना करेंगे तो कुल कितना उम्र वो निकल जाएगा। अब बोला क्या है कि टीचर को हटा देते हैं, 14 स्टूडेंट को लेते हैं, 14 × 14 स्टूडेंट, तो 14 स्टूडेंट है, बोला उनका जो औसत है वो 1.5 कम जाता है, तो पहले औसत कितना 20 था, तो भी 1.5 कम जाएगा तो कितना होगा, 18.5, ठीक है, तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 259। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या निकल गया, 14 बच्चों को उम्र 259 है, तो 14 बच्चों को उम्र और टीचर को उम्र जोड़ेंगे तो 300 आएगा, तो 300 से अगर इसको घटा देंगे हम लोग तो टीचर को उम्र निकल जाएगा जो कि होगा 41 ईयर्स। अगला बोला है, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालिए, मतलब तो इन तीनों का आपको लसा निकालना होगा, सॉरी मसा निकालना होगा, ठीक है। तो अगर आप, सबसे सिंपल है कि तीनों से काट के देख लीजिए, अगर सबसे ही कट जाएगा तो जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको पहले को काटेंगे हम लोग, ये आएगा 30 ×
34 850 को लिखेंगे तो 25 इंटू 34, और 1156 को लिखेंगे तो 34 इंटू 34, ठीक है। तो 34 ऐसा नंबर है जो कॉमन मिला, इसलिए मसा हो गया। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 850 से 1020 को भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, इससे 850 07, ठीक है, ये बच गया। 9 में से एक आ गया 170, 170 से आप 1156 को भाग करेंगे, जो शेष बचेगा इससे भाग करेंगे, करते जाइएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रानी 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए क्या समय लेगी यदि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है। तो आपको दूरी दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया है मतलब 200 मीटर, और स्पीड दे दी है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए मीटर में आंसर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो होगा 5/18 से गुना करेंगे तभी मीटर पर सेकंड बदलेगा, तो आप 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो ये 25/6 मीटर पर सेकंड, तो टाइम हो गया 225/6, तो 225 इंटू 6 तो ये 8, ये आ गया 48 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी करते हैं, अमन की औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना उसका 15 और 20, तो 35 हो गया ऊपर, और कुल समय कितना है 5, तो 7, याद रखिए औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। अगला क्वेश्चन बोला, एस एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो पहले लिख लेंगे एस एक कार्य को 50 दिन में, टी 40 दिन में, और एम जो है 30 दिन में। एस सप्ताह के सभी दिन में कार्य करता है, टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार को कार्य करता है, जबकि एम केवल शनिवार रविवार को कार्य करता है। सोमवार से शुरू किया जाए तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेंगे कि जो टोटल काम हमारा इन सब का एक एलसीएम मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इन सब का हम लोग एलसीएम मानेंगे तो मान लेते हैं 600 एलसीएम, ठीक है। तो ये करेगा 12 काम, ये करेगा 15 काम, और ये करेगा 20 काम, ठीक है। तो पहले एक सप्ताह में कितना काम होगा वो निकालेंगे हम लोग। तो एस सप्ताह में 7ों दिन काम करता है, तो इसको 7 से गुणा कर, एक दिन का काम इसका 12 आया, तो 7 दिन का काम आएगा 84। टी जो है सप्ताह में 3 दिन काम करता है, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो ये आएगा 45, ठीक है। और ये जो है सिर्फ 2 दिन काम करता है, तो ये आएगा 60। टोटल जोड़ेंगे तो ये आएगा 169, ठीक है। तो 169 आ गया। अब 169 हर एक सप्ताह में काम होगा, तो अगर हम मान लीजिए हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 600 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो हमें 4 से गुना नहीं करना होगा। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कुछ 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 507, मतलब 600 में से 507 काम 3 सप्ताह में हो जाएगा। तो कितने से कितने के बीच में ख़त्म हो जाएगा, 3 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह के बीच में, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोले, एक लंबे वृत्त शंकु का आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 मीटर, शंकु का आयतन कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जो कि दिया है 550। अब वैल्यू बिठाते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, ये एल, तो 7 से 7 कट गया, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से कटेगा 50 बार में, ये कटेगा 25 बार में, तो L आ गया आपका 25। हमें आयतन के लिए चाहिए 1/3 πr²h, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमें पता है, r 7 का स्क्वायर, h हमें नहीं पता, l को कैसे निकालते हैं, l² इक्वल टू क्या होता है, h² + r² एक ही बात है। एल हो गया 25 का स्क्वायर, आर हो गया 7 का स्क्वायर, हो गया एच का स्क्वायर, तो एच ले आएंगे 25 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25
ये रूट करेंगे हम लोग तो 18 × 32 तीन ये आएगा 24। तो एल कितना, एच कितना है 24, 24 बिठाएंगे 7 से 7 बार में, 3 से कटेंगे 8 बार में, बस इसको गुना करेंगे तो 1 2 3 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप ट्रायड ध्यान रखिएगा 24, 7 और 25। ठीक है, एक बैट को 750 रुपये में ख़रीदा जाता है और 8% की हानि में बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 750 रुपये में ख़रीदा है और 8% नुकसान से बेचा है तो 92/100, 0 0 काटे, 2 से काटे 5 बार में, ये कटेगा आपका 6 बार में, 5 से काटिए 15 बार में, बस इसको गुना करेंगे तो 690 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 13% 19% दो क्रमिक छूट एक एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर है? तो जब भी ऐसे क्रमिक छूट दिया रहेगा उसका एकल प्रतिशत निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? पहला छूट लिखेंगे 13, दूसरा छूट प्लस 19 माइनस 13 × 19/100। ठीक है, 13 × 19 आ गया आपका ये 32, और इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग, टू पॉइंट 47 के बाद 247 आएगा, बट 102.47 घटाएंगे से आएगा 29.53। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नकद भुगतान करने वाले को 5% अतिरिक्त छूट देता है, 7200 अंकित मूल्य वाले एक जैकेट के लिए नकद कितना भुगतान करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले 7200 रुपये है, इस पर 20% की छूट दिया मतलब 80/100। अब जो ग्राहक बोल रहा है कि मैं नगद पेमेंट करूँगा तो नगद पे और 5% छूट देगा तो हो जाएगा 95/100। तो बस इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5472, ये 0 0 आप काट लेंगे, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 5 से 19 बार में, बस आपको गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीतल से बने एक अर्धगोला का कटोरे के आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर दर से अंदर पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें अंदर का जो सरफेस एरिया है या आंतरिक क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोला क्या होता है, 2π r² जब पेंट करने की बात आएगी तो इसे ही पेंट करेंगे, क्योंकि इसी को, यही जो है मेरा अंदर वाला पोर्शन है तो इसी को पेंट करेंगे। तो और जितना एरिया आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 m² लगता है 15, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 14 का स्क्वायर 196, ये 2 8। ठीक है, अच्छा आंतरिक ब्याज दिया हुआ था तो ये गलती हो गया, ब्याज 7 करेंगे तो 49 आएगा, ये 7 बार में ही कटेगा, ये आएगा 308, 308 को 15 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4620। ठीक है, एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य, एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य अनुपात 304 है, तो क्रय मूल्य इतना हो गया अंकित मूल्य, इसको लिख देंगे यह आ जाएगा 3/4। दुकानदार अंकित मूल्य 25% की दो क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है। ठीक है, इस लेन देन के दौरान हुई हानि कितनी होगी? ठीक है, तो हमारा एमपी कितना है, 4 यूनिट पे निकाले, इसमें 2 बार इसने छूट दी है। ठीक है, ठीक है, तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं, अंकित ऐसे कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, एमपी पे कितना छूट दिया, 25% करके 2 बार, तो 2 × 1 = 75% 100%, फिर 1 × 75/100%, तो आ रहा है 2250। ठीक है, यही इसका कुछ मतलब होगा।
तो यहाँ से अगर एमपी निकालेंगे हम लोग, ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 बार में, 4 बार में ये काटेंगे हम लोग, 7 5 0 ये आ गया, 2 5 0 तो 16, 16 × 25 4000, तो 4000 मेरा एमपी आ गया। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 3000, क्योंकि 3/4 भाग में, तो 4 बराबर 4000, तो 3 बराबर 3000, और टेबल को बेचा कितना गया 2250 में, तो नुकसान कितना हो गया, 3000 से 2250 घटाएंगे तो 750 का, तो 750 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाए। तो 25 और 42 का अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, 7 से काटेंगे, 5 6 30 210। ठीक है, और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक किससे कट रहा है, सबसे बड़ा नंबर ये 8 से ही कट रहा है, तो 210 डिवाइड बाई 8, तो बस इसे भाग करेंगे तो आएगा 26.250। अगला क्वेश्चन, तो ये पहले ही क्वेश्चन जैसा है दोनों के बीच का, तो मध्य अनुपात मुझे कुछ नहीं करना होगा, x लिखिएगा और इन दोनों को गुना करके रूट निकाल लीजिएगा, 3 और 5 तो 15। अगला क्वेश्चन, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो पाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर n। अमाउंट कितना है 21,600, ये कितना है 12,500, 1 + 20/100 का ये, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, एलसीएम में ऐड करेंगे तो 5 6/5 का n, 0 0 कट गया, 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब जैसे इसे लिख सकते हैं, तो n बराबर 3 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास के साधारण दर से अंतर्गत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है, उसी वृद्धि के अंतर कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से ऐसे निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर पहले पी थी तो कितनी हो जा रही, 1.5 पी हो जा रही है, कितने साल में, 10 साल में। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो 10 साल में कितना बढ़ा है, 0.5 पी। ठीक है, है ना, तो 0.5 पी बढ़ रहा है, तो अगर इसे पी से 2 पी होना है तो कितना सारा 0.5 पी चाहिए, 2 0.2 0.5 पी चाहिए, तो इसमें जोड़ेंगे 1.5 पी, इसमें जोड़ेंगे 2 पी। ठीक है, तो ये 10 साल में, ये 10 साल टोटल कितना हो गया, 20 साल में। अगला क्वेश्चन बोला, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, मान लीजिए पहले आपका पी था, फिर P1 हो गया और लास्ट में हो गया 30,240, तो हमें इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें जनसंख्या कितना गिरी है, 4%, तो P1 का अगर हम लोग 96% निकाल देंगे, ये 4% घटा है तो 100 में से घटाएंगे 4, तो बस यहाँ बिठा देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P1 जो होगा ये पैरा 3, ये प्लीज़ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, P1 ऐसे हो जाएगा 32040 × 100/96, बस काटना है आपका, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, भानु एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है, भानु, बी फॉर भानु, 10 दिन, रमेश, रोहित कार्य को उतने समय, रोहित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय मिल कर लेते हैं, तो पहले दोनों को निकालेंगे, मिलकर कितना लेगा, तो मान लेते हैं टोटल काम 60 है, तो
तो एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 5 काम, ठीक है। तो कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा ये लोग? 60/11 दिन में। तो रोहित कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा? 60/11 दिन में, ठीक है। तो अगर अब ये दोनों मिलके काम करेगा तो कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रोहित का एक दिन का काम कितना हो गया? अच्छा, इतना सिंपल ऐसे कर सकते हैं, अगर एक दिन में ये इसका 6 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो रोहित की एफिशिएंसी कितना हो गया? 11। सिंपल। तो अब इन दोनों को मिलकर काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 16। तो 60/16 काटेंगे 4 से, 15 फिर 15 को भाग करेंगे 4 से, 3 बार में 12, 3 सही 3/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमें चैनल को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। और कुछ भी आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।